तो अपन अब तक की क्लास में तुम सीख चुके थे कि किस तरह से रोटेशन हुआ। अपन जो पढ़ रहे थे दैट इज केमिकल रोटेशन, वो केमिकल रोटेशन ऑपरेट हेड का सारा मामला तो समझ में आ गया। लेकिन इसमें जो दिक्कत आती है, दिक्कत ये है कि किसने देखा है एटॉमिक स्टेज है, मॉलिक्यूलर स्टेज है, हार्डली ऑर्गेनिक स्टेज है, फिर सिंपल ऑर्गेनिक स्टेज है, फिर आपके ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्टेज है, इतना सब कुछ बन गया, देखा किसने, क्या सब कुछ फिर हुआ कि नहीं हुआ। तो दो साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट था मिलर, क्या नाम था, ये मिलर जो था भैया, ये एक पी एच डी स्टूडेंट था अमेरिका शिकागो यूनिवर्सिटी का, और इसके गुरुजी थे यूरे, तो यूरे और मिलर। तो गुरुजी तो बात ऐसी है कि ये जो साइंटिस्ट लोग बोला ना ऑपरेट हेड है, क्या पता सही बोले गलत कर रहे हैं, अपन एक काम करते हैं चैलेंज करते हैं। अगर आप किसी भी साइंटिस्ट को चैलेंज करते हो तो जो साइंटिस्ट ने बोला वैसा एक्शन ठीक करके देखो, अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक नहीं हो रहा है आप उसको गलत साबित करो, तो ऐसा करके कैसे देखें। जो कंडीशन हमने बताई थी अर्थ के ऊपर लाइफ की शुरुआत की, क्या ऐसी कंडीशन हम कर सकते हैं आज के ज़माने में, अरे कर सकते हैं नहीं बना सकते, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल लाइट चली, तो फिर कैसे किया अपन इसको एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं ना, अपना एक्सपेरिमेंट का सेटअप बनाया यूरे मिलर ने, इस एक्सपेरिमेंट को यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। ओके, तो अलग अलग आदमी जिसमें के जी स्टूडेंट मिलर बुद्धि यूरे, और 1953 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया, लाइट चालू करा, समझिए बात है। तो यूरे मिलर जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट क्या साबित करना चाह रहा है, उसको गलत साबित करने के लिए ऑपरेंट हेड के एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वैसी इसी कंडीशन 100% तो वैसा नहीं हो सकता, लेकिन वैसी इसी कंडीशन जनरेट करने की कोशिश, भैया उस टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उन्होंने पानी लिया और वहाँ पे वेपर थी तेज बताया था, पानी बना था वेपर बनने के ऊपर, उन्होंने पानी बॉयल कर दिया, बहुत सारा पानी लिया, उस पानी को ऐसे कुछ बना बॉयल करके इसको गर्म कर दिया। जब पानी गर्म होगा, अच्छा गर्म करने से पहले यहाँ पे वेपर मोम लगा दिया, हल्दू हल्दू जो हवा उसको बाहर निकाल दिया। अब इस पानी को गर्म किया तो यहाँ पे वेपर बनेगी, वेपर जनरेट होकर ऐसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर इन्होंने किया कि एक फ्लास्क के अंदर इन्होंने टंगस्टन के इलेक्ट्रोड, कौन से इलेक्ट्रॉन, टंगस्टन इलेक्ट्रोड दिए इलेक्ट्रोड, और इन इलेक्ट्रोड को बिजली से कनेक्ट किया, बिजली बिजली से कनेक्ट किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इनके अंदर स्पार्क कराया, स्पार्क समझते हैं, यहाँ पे स्पार्किंग कराया। सर स्पार्किंग क्यों करें, अरे बेटा टेम्परेचर पहले से हाई है, एक झटका भी लगा दे यूवी रेज तो नहीं हुई दूसरी तो फिलहाल यूवी रेज का, तो एक स्पार्क कराया, तो उन्होंने यहाँ पर ये स्पार्क कराया, और स्पार्क इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर सकते थे, इलेक्ट्रिक स्पार्क कराया, तो स्पार्क से टंगस्टन इलेक्ट्रोड उन्होंने यूज़ किया। इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर था ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर, ये क्वेश्चन है भैया एम्स 2013 याद है, एम्स 2013 का क्वेश्चन, कितना टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट कराया इन्होंने, टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट कराया। अच्छा इसके अंदर इन्होंने जो है पाया कि कुछ गैसेस वगैरह बनी, क्या क्या गैसेस जो थी यहाँ पर मौजूद थी, गैसेस के बारे में, यहाँ पर NH3 मौजूद थी, बोलिए क्या नाम है, यहाँ पर CH4 मौजूद थी, क्या नाम है, यहाँ पर H2O वेपर के रूप में मौजूद थी आपको पता है, और यहाँ पर H2 भी मौजूद है, दैट इज हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पर मौजूद है, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ बर्फ बना के इधर आ रहा है। अब यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, तो उन्होंने कंडेंसर लगा रखा है, ये रहा कंडेंसर, कंडेंसर आप पढ़ते ही बचपन से, कोई बड़ी बात नहीं, ठंडा ठंडा काम करेगा, जो भी पेपर वगैरह ऐसे मौजूद है उसको ठंडा करेगा, और वो लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिक्विड की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, सही बात है। अब इधर उनको मिला क्या, समझिए ये सब जो है ना, आपने देखा कि जो ऑपरेंट हेडन कह रहे थे कि भैया इतने टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर पर पहले एटॉमिक फिर मॉलिक्यूलर स्टेज आ रही है, सब चीज़ें जा रहे हैं, प्रोसेस मिक्स हो रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, तो वहाँ पर अमोनिया थिक नहीं थी, ठीक, पर यहाँ पर CH4 थिक नहीं थी। अमोनिया और CH4 जो है ना, ये हमारी लाइफ की प्री कर्सर है, सबसे पहले ऑर्गेनिक मटेरियल को बना था वो मैथेन है ना, सबसे पहले ऑर्गेनिक में अमोनिया बनी थी, वाटर बना था, तो वाटर अमोनिया में अमोनिया जो है ये एज अ रॉ मटेरियल काम कर रहे हैं, ये रिएजेंट की तरह काम कर रहे हैं, इसी तरह ये रिएक्शन करेंगे, और H2O जो है आपने उस वक्त भी देखा था सब तरफ H2O ही पेपर की फॉर्म में था, तो एनवायरनमेंट का है मीडियम का काम कर रहा था, यहाँ पर जो H2O है वो मीडियम का काम करेगा, किसका काम करेगा, मीडियम का, और वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा था उस टाइम पे, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग था, तो यहाँ पर H2 जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करके एनवायरनमेंट को कैसा कर देगी, रिड्यूसिंग। कुछ कुछ स्थितियाँ वैसी क्रिएट हो रही नहीं हो रही है, 100% तो नहीं हो रहा, उतना हाई टेम्परेचर तो नहीं आ रहा, लेकिन कुछ कुछ तो हो रहा है, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा, कुछ कुछ लिक्विड यहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है, आप भी देख रहे हैं कि लिक्विड इकट्ठा होता है, और आप भी धीरे धीरे ऐसे ऐसे कुछ चक्कर चलता रहता है। ओके, ऐसा उन्होंने 18 दिन तक इस सेटअप को पढ़ा था, कितने दिन तक, 18 दिनों तक इस सेटअप को पढ़ा था, 18 दिनों के सेटअप को पढ़ाने के बाद में हमें निकाला भैया इसमें क्या क्या है, मैंने देखते थे, अच्छा एक इसमें जो ना अमोनिया को H2O को
और इन्होंने फिर से H4 को अमोनिया को और H2 को इस रेशियो में लिया, रेशियो में पूछा जाए काम है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर जो है HCH4 रेशियो NH3 रेशियो H2, तो ये हाइड्रोजन अमोनिया और नाइट्रोजन का रेशियो कितना रहा होगा, तो ये रेशियो होता है 2:1:2, ये रेशियो पूछा जाता है एग्जाम से किस रेशियो में किस अनुपात में। आप जब याद करेंगे एग्जाम में पढ़ लेगा वो इसको आगे कर देगा इसको पीछे कर देगा, याद करोगे फिर क्या 2:1 और सीधा इसको आगे उसको पीछे ले जाए तो जब 1:2 कुछ नहीं याद करना आपको सीधा ध्यान रखना अमोनिया के लिए, याद करोगे अमोनिया के बाकी सब ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में पढ़ लेगा इधर लेकिन आपको नहीं पढ़ना है आपको अपना कंसेप्ट ध्यान रखना है कि रेशियो का क्वेश्चन मतलब। दूसरा इन्होंने 18 दिनों बाद निकाला तो यहाँ पर जो कुछ ऑर्गेनिक एसिड मिला क्या मिले ऑर्गेनिक एसिड भैया 10 से 15 करोड़ साल टोटल कुछ बताया था उसको सीक्वेंस में निकल रहे 60 से 100 करोड़ साल लगे उन्होंने कितने लगा 18 दिन मात्र 18 दिन में जब इस लिक्विड को बाहर निकाला तो ये लिक्विड जो था ना ये रेड हॉट कलर था रेड कलर का लिक्विड था वाटर का रेड कलर का वाटर मिला इसमें उन्होंने कुछ ऑर्गेनिक एसिड मिले आइए देखते हैं कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है आप याद रखेंगे इनको आग मिली क्या मिली आग का मतलब आग नहीं ऐसे आप याद रखेंगे एलानिन मिला क्या मिला एलानिन ऐसे आप याद रखेंगे एस्पार्टिक एसिड मिला क्या मिला जिसे आप रखेंगे ग्लाइसिन क्या मिला ग्लाइसिन ये भैया एएपीएमपी 2006 का क्वेश्चन है एएपीएमपी 2006 मॉडल क्वेश्चन देखो फटाफट दूसरा क्वेश्चन जल्दी 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 होना थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो मिलर एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन सा अमीनो एसिड नहीं मिला पहला ऑप्शन बोलो ग्लाइसिन मिला कि नहीं मिला अगला बोले एस्पार्टिक एसिड मिला नहीं मिला मिला अगला बोलिए ग्लूटामिक एसिड मिला कि नहीं मिला नहीं मिला अगला बोलिए मिला जी मिला तो आपको हर चीज पढ़नी जरूरी जितना मॉड्यूल में आपको दिया जा रहा है अब रहता कर दे ये भी आया क्वेश्चन है अब भैया इन्होंने क्या किया था एक्सपेरिमेंट भैया हम ऑपरेट हेडर को चैलेंज करेंगे कि उन्होंने जो बताया वो सही नहीं गलत है जब प्रैक्टिकली किया इन्होंने मात्र 18 दिन में इनको ये ऐसे मिल गए अरे वो तो करोड़ों सालों तक चला है यार हजारों रिएक्शन चल रही है और ऐसा कुछ होगा तो जो हम 18 दिन में कर सकते क्या नेचर करोड़ों साल में नहीं कर सकती हमें कुछ ही मिले नेचर को हजारों मिले होंगे तो इसका मतलब जो पहले विरोध में था तो बाद में सपोर्ट में आ गया तो बताइए यूरी मिलर का एक्सपेरिमेंट आपको नहीं हेडन को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है वो सपोर्ट कर रहा है यानी कि पहले इन्होंने अपोज करने की ट्राई किया था लेकिन बाद में उसके फॉलोअर हो गए तगड़े वाला भाई साहब क्या थ्योरी थी मजा आ गया एनसीईआरटी लिखती ओपरिन हेडन के बारे में थ्योरी दी है ओपरिन हेडन के बारे में एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है यूरे मिलर का बोला नहीं है उन्होंने बोला ये इसका डायग्राम उसकी थ्योरी हम भी जानते तुम जानो तुम्हारा मास्टर जानते कहीं से क्वेश्चन दे सकते ठीक है ना तो हमने दोनों को टेबल जोड़ दिया है पूरा एक्शन का क्वेश्चन कर दिया पूरा समझ में आया तो ये हमारा केमिकल केमिकल रिवोल्यूशन अब अपन देखेंगे ये मैं कहते हैं तुमको जो मॉड्यूल में पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस तो सीक्वेंस हट के दो पन्ना आगे लेके आ गए आप मॉड्यूल में देखेंगे दो पन्ना आगे जाकर अभी तो पढ़ा रहा था ना इसके बाद दो पन्ना आगे यूरिया मिलर का प्रयोग है ठीक है तो मैं थोड़ा आगे आगे अब वापस अपन पीछे चलेंगे और वही वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि अब बायोलॉजिकल रिवोल्यूशन कैसे होगा किस तरह से लाइफ की शुरुआत की कैसे बनेगी ठीक है।